नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर जियोग्राफी नोट्स की आपकी शुरुआत होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होंगे आपकी जो क्लास होंगी, नोट्स बाय नोट्स हमारे तैयार होते रहेंगे और आपको क्या होगी, क्लास भी यहाँ पर मिलते रहने वाली, ठीक है। और जैसे ही आपके एग्जाम होंगे 2023 वाले, तो आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे किस प्रकार से हमें एग्जाम में लिखना है। बाकायदा आपको बिल्कुल इजीली नोट्स यहां पर देखने को मिलने वाले, बिल्कुल इजी, मतलब आपको याद करना है, सिर्फ एक बार रटना है और एग्जाम में दे आना है। इस प्रकार से नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं जो आपके माइंड में फिक्स होंगे, क्योंकि किताब पढ़ोगे, नोट्स बुक पढ़ोगे, है ना, शॉर्ट बुक पढ़ोगे, उसमें भी आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं, बस वही क्वेश्चन आपको क्या करना है, कवर करना है। तो यूनिट नंबर वन जो हो जाती है वो अपना है बीए फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के नोट्स यहाँ पर देखने को मिलने वाला है जियोग्राफी का। और जियोग्राफी के यूनिट नंबर वन में हम कितने क्वेश्चन देखेंगे, ओनली दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने? दो क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आज दूंगा और एक क्वेश्चन दूंगा आपके लिए कल। यूनिट वन में ओनली दो ही क्वेश्चन आपको कवर करना है, दो क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन हमारा है कौन सा, जियोग्राफी, मतलब बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का नोट्स आता है जियोग्राफी मतलब भूगोल का, ठीक है। तो यूनिट नंबर वन में हमें पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, इसको आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है भौतिक भूगोल का अर्थ, भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति इसके विषय क्षेत्र में लिखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, पूरा आपको यहां पर नोट्स दे रखा है। बात करते हैं पहले हम क्या डालेंगे, क्वेश्चन तो हमें नहीं लिखना है एग्जाम में, हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है कॉपी पर, ठीक है। क्या लिखना है, उसमें लिखा होगा यूनिट वन या फिर खंड का दे रखा होगा आपके लिए, ठीक है। मतलब यूनिट ए या फिर खंड का, तो आपको लिखना है खंड का के क्वेश्चन नंबर वन का उत्तर, ठीक है। उसके बाद में उसे बंद कर देना है दो लाइनों से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे लिखना है एक साइड में, इधर लिखना है उत्तर, लिख दिया ना। आप क्या डालेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या हो जाती है, इससे रिलेटेड है, कौन सी बताएगी, भौतिक भूगोल की प्रकृति, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं परिभाषा, ये हमारी क्या पड़ गई, हेडिंग। इससे हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है भाई। ये हमें एग्जाम में करना है इस प्रकार से कॉपी में। बात करते हैं आगे, अब इसका आगे क्या रहने वाला है, देखिएगा, ठीक है। आगे हो जाता है, हमने इसकी हेडिंग हमने डाल दी, ठीक है ना, इसकी जो हेडिंग है वो हमने डी दही डाल, ठीक है, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं परिभाषा। अब हम आ डालेंगे आ, ठीक है, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो मतलब आ क्या हो जाएगा, प्रकृति एवं परिभाषाएं। अब हम समझाएंगे प्रकृति परिभाषाएं है क्या, ठीक है, जियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले कोई भी चीज देखते हैं उसके बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जियोग्राफी के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। तो क्या हो जाता है, भूगोल मतलब जियोग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा, कहां से, यूनानी भाषा के दो शब्द, पहला हो जाता है जी तथा दूसरा हो जाता है ग्राफो। भूगोल मतलब जियोग्राफी, जियोग्राफी को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तरफ आ गई जी और एक तरफ आ गया ग्राफो, है ना। तो यूनानी दो शब्द बन गए, कौन से, एक हो गया जी और एक हो गया ग्राफो, याद हो गया हमें आराम से, ठीक है, से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, जी प्लस ग्राफो मतलब जियोग्राफो से हुई है, ठीक है भाई। इसमें जी का अर्थ क्या होता है, इसमें जी का अर्थ होता है पृथ्वी, जी का अर्थ क्या होता है भाई, पृथ्वी होता है। तथा ग्राफो का अर्थ क्या होता है, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, क्या होता है भाई, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः जियोग्राफी मतलब भूगोल का अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन करना, क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन करना। आराम से लिख सकते हो ना कि भैया जियोग्राफी, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन से, यूनानी भाषा से, जी प्लस ग्राफो, जी का अर्थ हो गया पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ हो गया वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। बस इतना ही तो लिख रखा है यहां तक, और कितना पेज हमारा भर गया, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना जो हो जाता है ना, मतलब है ना, वर्णन करना है, तो है तक हमने देख लिया, आगे देखते हैं भूगोल परिभाषा कोश। अब भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार हम देखेंगे इसकी परिभाषा, भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे। ये हमारी हेडिंग हो जाती है यहां पर, ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो जाती है, हमने हेडिंग यहां पर डाल दी। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा भूगोल कोश के अनुसार क्या हो जाती है। तो भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जो भूपृष्ठ का अध्ययन उसे क्षेत्रीय विभेदीकरण सहित, उसे क्षेत्रीय विभेदीकरण सहित मनुष्य के विकास,
है ना, सॉरी मनुष्य के निवास स्थल के रूप में करता है। किसके रूप में? मनुष्य के निवास के स्थल के रूप में करता है। फिर देखा है इसमें भू भू प्रकृतियों, जलवायु, मिट्टियों, वनस्पतियों तथा प्राणियों, उत्पादों, मनुष्यों, ठीक है, मनुष्यों के वितरण एवं परस्पर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तो वही बात यहां पर उन्होंने कह दी कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृष्ठ जो भूपृष्ठ का अध्ययन उसे क्षेत्रीय विभेदीकरण सहित मनुष्य के निवास स्थल के रूप में करता है। जैसे कि बहुत सारी जगह हो जाती हैं, भू स्थल हो गया, ठीक है, भू आकृतियां हो गई, जलवायु हो गए, मिट्टियां हो गई, वनस्पति, प्राणी और उत्पाद और तथा मनुष्यों के विवरण एवं परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह किसके अनुसार कह दिया? भूगोल परिभाषा को इसके अनुसार उन्होंने कह दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यह परिभाषा वही है जो हमने ऊपर देखा, बस उसको थ्योरी बेस यहां पे लिख दिया कि भूगोल की परिभाषा। भूगोल के अंतर्गत तो सभी आएंगे ना, उसमें जलवायु भी आएगी, वातावरण भी आएगा, मनुष्य भी आएंगे, वनस्पतियां भी आएंगी, मिट्टी भी आएंगे, कीड़े मकोड़े भी आएंगे, कुछ भी यहां पर लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ भी नहीं मतलब होना चाहिए इससे रिलेटेड ही। ठीक है, आगे देखिएगा, अब बढ़ते हैं आगे, कहां तक पहुंच गए? हाँ भाई, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम करी ऊपर, कोई बात नहीं। देखा है भूगोल की शाखाएं, अब हम क्या देखेंगे? भूगोल की शाखाएं यहां पर हम देखने वाले हैं। तो क्या है? भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं भाई? दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली हमारी हो जाती है भौतिक भूगोल, एक को क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल कहते हैं, तथा सेकंड वाले के लिए क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। भौतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा हो, और मानव द्वारा जो मानव के द्वारा रची गई है। ठीक है, तो एक हो जाएगी अपनी भौतिक भूगोल और एक हो जाएगी अपनी मानव भूगोल। तो बात करते हैं भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल हमने हेडिंग डाल दी, भौतिक भूगोल, उसके बाद क्या लिखा? इसमें प्रकृति तथा भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। हमने इसको लिख दिया ना, अभी हमने बताया कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रकृति तथा भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद करते हैं मानव भूगोल में क्या होता है। अगर मानव भूगोल की बात करते हैं, हेडिंग डाली मानव भूगोल, उसके बाद में ये लगा दिया डैश, अब हो रहा है इसमें मानव तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो मानव के द्वारा क्रियाकलाप होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन यहां पर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे की ओर, इसकी बात करते हैं अन्य परिभाषाएं। अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा अन्य परिभाषाएं जो होती है ना, उनके आपको कम से कम दो के तो याद होनी चाहिए परिभाषाएं, दो दो की तो आपको लिखनी पड़ेगी। यहां पर मैंने तीन दे रखी है, मगर आपको दो की लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं, कहां हो गए? यहां पर देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल, पहला हो जाता है अन्य की परिभाषा, मतलब अन्य के द्वारा दी गई भूगोल के अनुसार जो परिभाषाएं हो जाती हैं। पहले देखा है आर्थर होम्स के अनुसार, आर्थर होम्स के अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या कही गई है? तो वो हो जाता है भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो ग्लोब के धरातलीय स्वरूप सागर व महासागर तथा वायुमंडल के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। तो बिल्कुल वही बात जो ऊपर कह रखी है, वही बात इन्होंने यहां कह दी, मगर इतना कहा कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। वही बात तो है। आगे देखो, जो ग्लोब के धरातलीय स्वरूप सागर हो जाता है व महासागर तथा वायुमंडल के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है ना, इसी को हमने देखा था प्रकृति के अनुसार हो जाता है ये। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट के अनुसार, अभी हमने क्या देखा? हमने देखा आर्थर होम्स के अनुसार, अब हम देखेंगे सेकंड वालों की परिभाषा। सेकंड कौन हो जाते हैं? स्टार्लर के अनुसार। तो आपको दो के याद होना चाहिए, मैंने आपके तीन दे रखे हैं यहां पर, तो इनमें से दो के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं स्टार्लर के अनुसार क्या होता है। भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूमि विज्ञानों का समन्वय है। मतलब भौतिक भूगोल जो है सामान्य रूप से कई भूमि विज्ञानों का समन्वय है। बिल्कुल सही है भाई,
भूमि विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी आती हैं, भू विज्ञान हो गई, मतलब भूमि की सर्च हो जाती है ना, बहुत सारी विज्ञान इसके अंतर्गत आ जाती हैं जो हम लास्ट देखेंगे। बात करते हैं भूमि विज्ञान का सबनब्य है जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालता है ना, जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालता है। ये किसने कर दिया? ये कर दिया स्टार के अनुसार, ठीक है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे थर्ड वाले जो हो जाते हैं, थर्ड वालों के अनुसार परिभाषा कौन सी है, तो वो हो जाते हैं लोबेक के अनुसार। किसके? लोबेक के अनुसार। तो देखिए क्या है, भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। इन्होंने भी क्या कर दिया, वही यहां पर रिपीट कर दिया जो पहले उन्होंने किया था, है ना, बिल्कुल। तो बात करते हैं लोबेक के अनुसार भी क्या कहा गया, भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके प्रकार, अब क्या देखेंगे, अब यहां पर देखने वाले हैं हम इसके प्रकार के बारे में, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बात करते हैं इसके प्रकार के, भौतिक भूगोल में मुख्यतः भौतिक पक्षों जैसे कि चट्टानों, है ना, और उच्चावच, पृथ्वी की उत्पत्ति, भू आकृतियों का निर्माण व विकास, वायुमंडलीय दशाओं, जलमंडल के विभिन्न पक्षों तथा जैव मंडल के विभिन्न घटकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है भूगोल के अंतर्गत, तो आपको पता है भौतिक पक्षों जैसे कि चट्टान, उच्चाई हो जाते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, भू आकृतियों का निर्माण, विकास, वायुमंडलीय दशाओं, जलवायु व विभिन्न पक्षों और जैव मंडल के विभिन्न घटकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल इजीली आराम से, है ना, आगे देखिएगा। फिर देखा है अर्थात भौतिक भूगोल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल का समुदाय रूप है। तो बिल्कुल सही है भाई, भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल जो है वो भौतिक मंडल, भौतिक भूगोल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल आदि मंडलों का एक समूह है, मतलब समुदाय है, ठीक है, संयुक्त रूप है भी इसे कह सकते हैं। बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब यहां से क्या देखने को मिलेगा, हमारी यहां पे परिभाषा और उत्पत्ति हो जाती है भूगोल की, खत्म, ठीक है। अब हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, लास्ट हेडिंग थी भूगोल की, भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के बारे में, तो हमारी हेडिंग पड़ेगी भौतिक भूगोल की विषय वस्तु क्षेत्र, है ना, या फिर विषय क्षेत्र भी, विषय वस्तु भी हो सकता है और विषय क्षेत्र भी हम लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारी जो हेडिंग है वो बा वाली है ना, बिल्कुल, पहले हमने आ वाली देखी थी प्रकृति और परिभाषाएं, अब हमने डाल दी बा, इसमें क्या देखने को मिलेगा, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। तो बात करते हैं विषय क्षेत्र के बारे में, तो भौतिक भूगोल भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है ना, बिल्कुल सही बात है, जो भौतिक भूगोल है भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है। उसके बाद देखा है क्योंकि भूगोल की किसी भी शाखा का अध्ययन करने से पूर्व भौतिक वातावरण का सामान्य ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है, अगर भौतिक वातावरण का आपको ज्ञान नहीं है तो भौतिक भूगोल का भी आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र या अध्ययन अत्यधिक व्यापक है, मतलब अधिक व्यापक मतलब क्या है, बहुत बड़ा है, है ना, वही बात यहां पर कही जा रही है कि क्या है, भौतिक भूगोल का विकास क्षेत्र या अध्ययन अत्यधिक व्यापक है। फिर देखा है क्योंकि भौतिक भूगोल के स्थल, भौतिक भूगोल में कौन कौन से आते हैं, व्यापक क्यों है, क्योंकि भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायु तीनों ही मंडलों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि भूगोल क्या है, भूगोल के अंदर स्थल भी आएगा, जल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा, तो तीनों के तीनों आने वाले हैं, इसलिए क्या है ये बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं, देखा है तथा भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित पक्षों का शामिल किया जाता है, मतलब निम्नलिखित पक्षों को क्या किया जाता है भाई, इसमें शामिल किया जाता है, कौन कौन से पक्ष हैं उनको देख लेते हैं, तो इन पक्षों को आपको याद करना पड़ेगा। तो पहली हेडिंग डालेंगे, पहला पक्ष जो हो जाता है वो है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, क्या है, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध हो जाते हैं। तो दे रखा है इस वर्ग में सौर परिवार, ग्रहों, उपग्रहों के स्वरूप, पृथ्वी की उत्पत्ति, वायु संरचना, पृथ्वी की यहां देखिए गतियां, ठीक है, पृथ्वी की गतियां तथा गुरुत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर पृथ्वी के, या पृथ्वी के
यहां पर कह रहा है ग्रहीय संबंध, तो हेडिंग डाली। इसमें क्या देखने को मिला हमें, इस वर्ग में सौर परिवार जैसे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, इनके स्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति, वायु संरचना है ना, वायु संरचना सॉरी इनकी आयु है और इनकी संरचना और पृथ्वी के गतियों का गुरुत्व अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर बहुत ही आराम से हमने पढ़ लिया कि ग्रहों के बारे में यहां पर बात कही गई है ना। आगे देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाती है, वो हो जाती है अपनी हेडिंग, ये है स्थल मंडल। क्या देखेंगे, स्थल मंडल यहां पर देखने वाले हैं। तो स्थल मंडल हमने हेडिंग डाल दी, स्थल मतलब जमीन, ठीक है। तो बात करते हैं पृथ्वी तल पर स्थित समस्त स्थल मंडलों, खंडों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। तो वही बात तो कही गई, मतलब यहां पर कह रहा है पृथ्वी के तल पर स्थित समस्त स्थल मंडल, मतलब जमीन की बात हुई, सरफेस की बात हुई, और यहां पर खंडों की बात हुई, ठीक है, खंडों तथा उनसे विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन, उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। फिर रखा है तुम्हारा भूपृष्ठ की कुछ मीटर की गहराई तक मिलने वाली चट्टानों, भूगर्भ की, ठीक है, आंतरिक संरचना, भू संतुलन और तथा आंतरिकी बृहा शक्तियों तथा उनसे निर्मित भू आकारों जो संरचना होती है, भू आकारों संरचना, प्रक्रम अवस्था तथा बहुचक्रिय, ठीक है, बहुचक्रिय भूदस्य वाली महाद्वीप बा महासागरों की उत्पत्ति आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। यही तो यहां पर दे रखा है बस, क्योंकि स्थल मंडल पे जो भी चीज आती है, महासागर हो गए, द्वीप हो गए, ठीक है, और भी कुछ हम लिख सकते हो, ठीक है, जो आप यहां पर दे रखे, जैसे कि चट्टाने हो जाती हैं, पर्वत हो जाते हैं, हिमालय लिख दो, माउंट एवरेस्ट लिख दो यहां पर, ठीक है, मतलब हिमालय भूगर्भ के अंदर है ना, सरफेस की बात, जो चीज हो सरफेस पर जो होता है हमारी पृथ्वी की, वो यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग हो जाती है वो हो जाती है यहां पर जलमंडल। क्या हो जाएगी, जलमंडल की बात यहां पर हो रही है। तो जलमंडल में कौन कौन से होते हैं भाई, यहां पर लिखना है। तो जलमंडल हेडिंग वाली इस वर्ग के होना चाहिए था, ठीक है, कही है, इस वर्ग के अंतर्गत महासागरीय आकृतियों एवं विस्तार, जो महासागर की आकृति होती है उनका विस्तार होता है, फैलाव होता है, महासागरीय तल जो होता है, तल विन्यास जो होता है, समुद्री तापमान एवं खारापन, धाराओं ज्वार भाटा आदि समुद्री गतियों, महासागरीय विच्छेद तथा प्रवाल वृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपको पता है जो प्रवालों से बना हुआ एक हमारा द्वीप है, इसे क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं, जो कहां पर है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो इन सभी का यहां पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि यहां देखा है, ऊपर पढ़ सकते हो कि महासागरीय आकृतियों का अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, जलमंडल की बात हो रही है, तो महासागरीय आकृतियों का अध्ययन होगा एवं इसके विस्तार फैलाव की बात होगी, महासागरीय तल विन्यास की बात होगी, और यहां पर समुद्री तापमान हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर समुद्र के अंदर खारापन हो जाता है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ समुद्र जो होते हैं कैसे होते हैं, लाल वगैरह होते हैं, ये भी एल्गी के कारण होते हैं, तो ये भी यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, कि समुद्र लाल वगैरह होते हैं, और धाराओं ज्वार भाटा आदि जो हमारी भौतिक के अंतर्गत आएंगी, ठीक है, सामुद्रिक गतियों और महासागर विक्षेप तथा प्रबाल भित्तियों, जैसे लक्षद्वीप हो जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या यहां पर मिलने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग हो जाती है वो हो जाती है हमारी वायुमंडल। चौथी कौन सी है, वायुमंडल हमने हेडिंग डाली, ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखा है वायुमंडल, वायुमंडल की संरचना, संगठन, स्थिरीकरण, जलवायु, उसको नियंत्रित करने वाले कारक जैसे कि सूर्य ताप, उसका लंबवत तथा क्षेत्रीय वितरण, वायु दाब पट्टियों एवं हवाओं, वायु राशियों, चक्रवात, प्रति चक्रवातों, जलवायु तथा वर्गीकरण आर्द्रता, जो बड़ी आद्रता होती है, नमी वगैरह होती है वायुमंडल में, एवं उसके स्वरूप का अध्ययन यहां पर किया जाता है। तो जो आपके वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं वही यहां पर दे रखे हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखा है वायुमंडल की संरचना, संगठन, स्थिरीकरण, जलवायु एवं उसको नियंत्रित करने वाले कारक, फिर देखा है तुम्हारा सूर्य ताप, उसका लंबवत तथा क्षैतिज वितरण, वायु दाब पेटियों जो होती हैं, वायु दाब की पेटियां होती है, इसकी बात कर रहा है, तथा हवाओं, वायु राशियों, चक्रवातों, प्रति चक्रवात, जलवायु, वर्गीकरण आर्द्रता,
एवं उसके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है जो हमारे वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं, वो हमने सारे के सारे यहां पर लिख दिए। और भी कह सकते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है भाई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट हमारी हेडिंग हो जाती है वो हमारी हेडिंग हो जाती है यहां पर 5, ठीक है। इस हेडिंग को आपको याद रखना है, पांचों की पांच हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, चार तो आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। बात करते हैं जीव मंडल, जीव मंडल में कौन आते हैं, जीव आते हैं, है ना। तो बात करते हैं पृथ्वी के भूपृष्ठ समीपवर्ती एवं जल मंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है, वायुमंडल में तथा जल मंडल में जहां पर जीवन पाया जाता है। फिर देखा है इस वर्ग के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है विषय है, है ना, मुख्य लक्ष्य है विषय है। इसमें जीव मंडल के घटकों, विभिन्न प्रकारों के चक्रों, पारिस्थितिक तंत्र, व्योम तथा पादप एवं जीव समुदाय के विकास प्रसार एवं वितरण, सजीवों एवं परिवार पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये बिल्कुल इजी था, है ना, बिल्कुल इजी था, आराम से लिख सकते हो। अगर हेडिंग भी आपको याद है तो ये सारे के सारे आप लिख सकते हो, एक बार बस आपको थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, यहां तक की, सिर्फ ओनली यहां तक की मिलेगी आपके, आगे की नहीं मिलेगी, ठीक है। यहां की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो कहां मिलेगी भैया, ये जो पीडीएफ मिलने वाली जो मैंने पढ़ाई है अभी, वो कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके साइट पे पहुंचोगे, साइट पे जाके आपको मिलेगा जियोग्राफी, जियोग्राफी एक बटन मिलेगा, वहां टिक करोगे, ठीक है, नोट्स, जियोग्राफी नोट्स, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। तो वहां से आप एक बार रिविजिंग और कर लीजिएगा इनकी हेडिंग के बारे में, और इन्हें एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको याद हो जाए। और बाकी आप उनके उपविज्ञाने जो होती है ना, उपविज्ञान, उनके बारे भी आप यहां पर लिख सकते हो, लिखना चाहो तब, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना ही है तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 में, अगर किसी का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो इसकी हेडिंग हेडिंग आप याद कर लीजिएगा, थ्योरी मैंने पढ़ाई दी है, चाहे आप भी इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में क्या है, बहुत लेंदी लिख रखी है, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया आपके लिए, शॉर्ट में यहाँ पर कर दिया है। लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यहीं पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।